Hey, well, hello guys, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज अपन लोग खेलने जा रहे एक न्यू गेम जिसका नाम है पोकेमोन म्यू। इस गेम में गाइस अपन लोग म्यू है एंड वही म्यू जिसके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस पड़ी है, पुलिस नहीं बट इवल गैंग पड़ी है। एंड इस गेम में गाइस ऑब्वियसली अपन कोई पोकेमोन को तो कैच कर नहीं सकते बिकॉज अपन खुद पोकेमोन है, सो दैट्स व्हाई। बट हाँ गाइस, अपनी जर्नी जैसे आगे बढ़ेगी वैसे गाइस अपनी जो पोकेमोन है यानी कि अपने अलग अलग पोकेमोन से फ्रेंडशिप होगी एंड उनमें से गाइस कुछ पोकेमोन ऑटोमेटिकली अपने टीम में आ जाया करेंगे। बट फिलहाल तो गाइस यहाँ पे भी अपना जो गेम है उसको करते हैं स्टार्ट। बस यहाँ पे मुझे एक एंटर का बटन दबाना है एंड गाइस नाउ वी आर रेडी। अभी ना मुझे ऐसे लगता है जो एंटर का बटन है उसका फिर से दबाया एंड गाइस यहाँ पे अपना जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है। बट एक मिनट, यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ना मैं थोड़े बहुत कंट्रोल तो जानता ही हूँ। बट फिलहाल गाइस यहाँ पे अपना जो गेम है वो स्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे बंदा है एंड उसकी टीम है, यानी कि गाइस इस टीम का नाम तो मैं जानता नहीं हूँ बट अभी फिलहाल के लिए अपन इस टीम को बोलेंगे इवल गैंग। तो गाइस जो गैंग है उनका कुछ प्लान चालू है अपन को पकड़ने के लिए बिकॉज वी आर म्यू तो उस पैसे। एंड एक बार गाइस इनका प्लान क्या चालू है उसे रीड करते हैं क्योंकि अगर इनका प्लान मुझे पता चल गया ना तो गाइस अब मजा ही आ जाएगा। बट फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो बात कर रहा है उसे देख के तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग को ना गाइस म्यू के बारे में थोड़ी सी आइडिया, ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। मतलब कि इनके पास एक साइंटिस्ट था या फिर आप रिसर्चर बोल सकते हो, उसने गाइस इन बंदों को कहा था कि जो म्यू है वो इस लोकेशन में आसपास कहीं तो दिखा है, उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें मिल सकता है, तुम उसे कैच कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे लोग आ चुके हैं म्यू को कैच करने के लिए एंड यहाँ पे जो बंदा हुए वो बोल रहा है कि म्यू को एक कोड नेम से बात करते हैं। मतलब कि म्यू अपन उसको बोलेंगे नहीं, अपन उसको एक कोड नेम देंगे। तो गाइस कोड नेम से मतलब है मैं अपना नाम लिख दूँ एंड गाइस यहाँ पे अभी फिलहाल तो मैंने अपना जो नाम है वो यहाँ पे करेक्ट कर लिया, पहले स्पेलिंग गलत हो गई थी मगर खैर कोई नहीं। एंड यहाँ पे अभी ये जो बंदा वो बोलता है ये मिशन जो है वो अंडरकवर मिशन है, इसके अंदर पे ना अपन जो म्यू है उसको म्यूज के नाम से नहीं, उसको अपन चैनेक्टिक के नाम से बोलेंगे। अगर किसने म्यू बोला तो उसको एक अच्छी खासी पनिशमेंट मिलेगी। बट फिलहाल गाइस इस बंदे ने ये सब को ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जो भी एरिया उसको चप्पा चप्पा ढूंढो एंड जो चैनेक्टिक है उसको ढूंढ कर निकालो, यानी कि म्यू को ढूंढ के निकालो। बट फिलहाल गाइस अभी ये जो ऑप्शन है उसको नीचे करते हैं एंड गाइस राइट नाउ फिलहाल ना अभी ना जो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होने वाली है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि अपन जब जीबीए वर्जन में खेलते थे तो वहाँ पे ना थोड़ा सा अलग सेटिंग होती थी एंड यहाँ पे कंट्रोल जो है वो थोड़े अलग है, उसको बैठने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बट फिलहाल गाइस यहाँ पे मुझे एक हेलेक्स पोशन मिला जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है एंड यहाँ पे गाइस मैंने ना एक पोकेमोन को भी देखा था एक मिनट। बट फिलहाल यहाँ पे मुझे लगता है अपनी जो आज की पहली बैटल है वो स्टार्ट हो जाती है एंड देखते हैं गाइस अपने म्यू के पास भी कौन कौन से मूव है। तो लेट्स फाइट नाउ। तो अपने म्यू के पास साइकिक मूव जो कि बहुत ज़्यादा ओपी है, तो ऑडिश के ऊपर करते हैं एंड जो ऑडिश है तो उसकी क्या ही बुरी हालत हुई है, वन शॉट में गाइस ऑडिश फेंट हो चुका है जो कि बहुत ज़्यादा कुछ ओपी है एंड ओके। तो यहाँ पे अपनी जो चैंसी है वो थी एंड राइट नाउ गाइस चैंसी ने अपने पोकेमोन को सब हील कर दिया अपने म्यू को एंड यहाँ पे एक रॉक है जो है हीट रॉक, ओके दैट्स अ गुड। एंड गाइस हाँ, अपन इस गेम के अंदर पे पोशन एंटीट्यूड्स कुछ परचेस नहीं करेंगे, अपन इस गेम के अंदर पे अपन को बैरिश वगैरह कुछ मिलेगी क्योंकि ना जो पोकेमोन होते हैं वो पोकेमार्ट में जाके कुछ बाय नहीं करते पहली बात तो। बट फिलहाल तो गाइस यहाँ पे मुझे एक क्लॉ फॉसिल मिला है, पता नहीं इसका क्या यूज़ है एंड क्लॉ फॉसिल से कौन सा पोकेमोन निकलता है वो भी मुझे पता नहीं है। बट यहाँ पे गाइस वो गैंग आ चुके हैं तो मैं इससे बात करूँ क्या? आई थिंक मैं इस बंदे से बात करूंगा तो नो। ओके तो गाइस यहाँ पे इस बंदे ने उसके सारे यूनिट को बुला दिया एंड यहाँ पे गाइस मुझे लगता है एक एक करके ये जो यूनिट है उसके साथ बैटल करनी पड़ेगी। मगर गाइस पीछे जो म्यूजिक है ना बैटल का वो बड़ा ही इंटेंस है, मतलब कि मुझे सही लगता है एंड इसी के साथ साथ इसका जो रेटिकेट है उसकी स्पीड ज़्यादा है बट अपने जो साइकिक मूव है वो भी किसी से कम नहीं है। तो इस शॉट के साथ में रेटिकेट जो है वो फाउंट होना चाहिए, फाउंट नहीं फेंट हो जाना चाहिए एंड यहाँ पे जो रेटिकेट है वो फेंट हो चुका है। मगर फिलहाल गाइस अभी ना इस गेम को खेलने में तो मुझे बहुत सही मज़ा भी आ रहा है एंड यहाँ पे जो इवल गैंग थी वो भी जा चुकी है। बट यार फ्यूरीफिन क्या बोल रही है पर एक बार चेक कर लेते हैं। एंड हाँ गाइस, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इस गेम के अंदर पे अपन कोई पोकेमोन को कैच नहीं कर सकते क्योंकि अपन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, अपन गाइस एक पोकेमोन है। तो गाइस पोकेमोन का मतलब होता है कि वो कुछ फ्रेंडशिप करेगा, तो अपने इस एडवेंचर में अपने को कुछ पोकेमोन मिलेंगे जो कि अपने से फ्रेंडशिप भी करेंगे, कुछ बातचीत भी करेंगे। बट फिलहाल तो गाइस यहाँ पे जो प्यूरिफिन है वो ना गाइस मुझे बैरिश दे रही है एंड जैसे मैं आपको बोला था इस गेम के अंदर पे अपन ना ही कोई पोशन, ना ही कोई एंटीट्यूड, ना ही कोई पैराइसिल यूज़ कर सकते हैं, अपन बस बैरिश कलेक्ट कर सकते हैं।
हैं। तो एक एक करके गाइस यहाँ पे जो बैरीज है उनको कलेक्ट करते हैं। मुझे अभी ना दो ऑरेंज बैरी भी चाहिए जो कि 99 बहुत ज़्यादा हो जाएगी यार। दो बस हो गया अभी फिलहाल के लिए। एंड अभी मैं कौन सी बैटल भी करने वाला हूँ, तो खैर कोई नहीं। एंड यहाँ पे कुछ और है तेरे पास? थैंक यू वेरी मच। तू ही मेरा फ्रेंड है यार, तू मेरा फ्रेंड अभी फिलहाल तो नहीं बन सकता, बट गाइस देखते हैं अपना जो पहला फ्रेंड है वो कौन बनता है। एंड यहाँ पे अभी फिलहाल अपन इस घर के अंदर पे नहीं जा सकते। एंड यहाँ पे जोल्टियन भी है। हे जोल्टियन भाई, आई एम हंटिंग फॉर अ ट्रेजर, चेकिंग अ फ्लैटिंग पैच ऑफ अ ग्रास और पिकिंग अंडर अ रॉक कैन बी प्रीटी प्रॉफिटेबल। ओके, आई गॉट अ गुड हॉल्स ऑलरेडी, हियर हैव सम। ओ डैट्स अ ग्रेट, थैंक यू जोल्टियन, यू आर माय लकी फ्रेंड यार, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस यहाँ पे जोल्टियन ने अपन को 200 पोकी डॉलर्स दिए जो कि बहुत सी है। एंड गाइस यहाँ पे अपने पोकेमॉन को जरा हील कर लो, क्योंकि अभी जो इवल गैंग के बंदर थे उन्होंने मेरी हालत थोड़ी डाउन कर दी थी, मगर खैर। एंड यहाँ पे एक और हाउस है तो इसको भी चेक कर लिया जाए। चलो इसको भी चेक करते हैं। एंड लेट्स सी, मे बी नो वन इज माई हाउस। ओके खैर कोई नहीं, इस घर के अंदर पे कोई नहीं है, तो अपन ना अभी आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। एंड ये है टनल क्लिफ। एंड वो क्लैफी भी, ओ सैलेबी, सॉरी सैलेबी, सैलेबी यहाँ पे क्या कर रही है? वो फाइनली हैव लुकिंग एवरीवेयर। हियर आई गॉट अ गिफ्ट टू फॉर यू, गेस हु इट्स फ्रॉम, फ्यूचर यू। व्हाट, फ्यूचर से? ओके हाँ, मैं भूल ही गया था सैलेबी अपनी फ्यूचर टाइम टेबल कर सकती है ना। आई एम नॉट रियली श्योर इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अ फ्यूचर टू यू, इफ यू काउंट अ गिफ्ट टेंस फ्यूचर यू नो व्हाट इज इट, बट आई सरप्राइज टू यू राइट। एनीवे द गिफ्ट टू सेंड यू इज दिस अ मैसेज एंड यू फर्स्ट। ओके तो गाइस यहाँ पे जो सेलेपी है वो मुझे फ्यूचर से मिलने के लिए आई है, मतलब कि एक पोकेमोन का गेम मूवी नहीं थी जैसे कि जो प्रोफेसर ओक है उसको मिलने के लिए जो सेलेपी है वो फ्यूचर से आती है या फिर पास से आती है, वैसे ही कुछ यहाँ पे सीन है। एंड यहाँ पे जो सेलेपी है वो मुझे बोल रही है कि फ्यूचर में ना अभी अपने 2-3 फ्रेंड्स तो बनने वाले हैं एकदम ऐसे, मतलब कि ऐसे छोटे मोटे बेस्ट फ्रेंड, छोटे मोटे नहीं मतलब कि एकदम बेस्ट फ्रेंड बनने वाले हैं। एंड यहाँ पे जो क्लैफी भी है और क्या बोलती है एक बार देख लेते हैं। What happening where we just a couple? Okay. Thousands year ago, a dino Pokemon battle. They are awesome. It's too bad those guys. They are fossil in this time. Big oh, okay. तो guys इसके fossil का मतलब समझ रहे हो आप? जो fossil Pokemon है वो कुछ dino Pokemon को represent करते हैं and उनका ही कुछ fossil है, ये जो Celebi है वो अपन को यही बोल रही है। बट यहाँ पे जो सेलेबी है वो अभी फिलहाल तो जा चुकी है अपने एडवेंचर को बेस्ट ऑफ लक करके। एंड यहाँ पे मुझे एक रूट फॉसिल भी मिला है जिसके अंदर पे शायद से कबाटू होता है या फिर ओमेगा होता है, पता नहीं कौन सा पोकेमोन होता है, मगर खैर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मिक मशरूम है। वो डैट्स अ ग्रेट मशरूम, थैंक यू वेरी मच फॉर मशरूम। एंड यहाँ पे अपनी एक और बैटल डिग्लेट के साथ में, इस बंदे के साथ में लिटरली बोलूँ तो अभी बैटल करने का मेरा मूड नहीं है, तो अपन यहाँ से रन करते हैं एंड चलो यार निकल जाते हैं। एंड इट्स टू लेट, क्या मैं अभी रन कर, मुझे फाइट करनी पड़ेगी क्या यार? नहीं यार, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, साइकिक करते हैं। यहाँ पे डिग्लेट जो है वो अपने वन शॉट में डाउन हो चुका है यार, डैट्स अ ग्रेट। ये पावर होती है अपने म्यू की यार, सही से मजा आ गया। बट फिलहाल गाइस यार यहाँ पे एक और मशरूम है। एंड एक मिनट, ये कौन सा पोकेमोन है? ये लिफियन है क्या? हे आई एम सरप्राइज यू स्पॉटेड मी हियर, साइकिक फ्रेंड has my unusual coloration provide me with some securities in this given surrounding. Okay, but I suppose that is a great kai ajeeb sa naam hai, kya come with the great name, does it know not? I have been heard you the once called Mew. I also may be an overheat heard by the words that strange time traveler spoke to you. ओके तो ये अपनी बात सुन रहा था, चुपके चुपके बातें सुनता है, शर्म नहीं आती तेरे को? मगर खैर कोई नहीं। बट मैन यू हैव टू सेट दिस सेम ऑफ माई सेल्फ, हियर इज माई ट्रूथ, स्ट्रेंजर थॉट दे मे बी अ वर्ड्स ऑफ दैट टाइम, ट्रेवलर्स आर ट्रस्टी वर्थी। ओके तो सैली भी मेरी फ्रेंड बन सकती है, मतलब कि अगर बन गई तो गई सब मजा वाली लाइफ आ जाएगी, मतलब कि और क्या चाहिए, मजा ही आ जाएगा। यू हैज अर्न फ्रीडम टू डू ऑल थिंग्स एंड ट्रेवल टू ऑल द प्लेसेस, आई एम इंस्पायर्ड बाई द थॉट्स and please continue as your wish, but if you are need in any side feel free to reply and my power. Okay तो guys ये बंदी अपनी friend बन सकती है, but अभी फिलहाल तो नहीं क्योंकि उसको अभी कुछ काम वगैरह है। वो बोलती है जब भी तेरे जरूरत पड़े तू मिल जाना मुझे, मैं तेरा काम कर दूंगा। बट फिलहाल गाइस यार यहाँ पे मुझे बैटल ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। एंड गाइस यार अभी इसके अंदर पे मुझे अगर रिपेल वगैरह मिल जाए तो ऑसम चीज हो जाएगी, मगर यहाँ पे सबसे पहले साइकिक करते हैं। एंड जो डिग्लेट है उसको मैं फेंट कर देता हूँ। एंड वैसे भी अपने पास कौन कौन से मूव है अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उसका डैमेजिंग पावर क्या है वो भी मुझे पता नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। बट ये क्या है, डैम्प रॉक। ओके इस रॉक का पता नहीं क्या यूज है, पर कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है?
तो ये कुछ टनल टाइप है, बट गाइस लुक एट द ग्राफिक ऑफ द गेम यार, क्या ही सही गेम है ना, मतलब कि पूछो मत, बढ़िया है। एंड यहाँ पे अपन को एक और हेलिक्स पोशन मिल रहा है तो इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे कोई फॉसिल वगैरह है क्या? बट एक मिनट गाइस, सबसे पहले मुझे इस बंदे के साथ बैटल करनी पड़ेगी। तो यस, ऑलवेज आई एम रेडी टू बैटल विद दिस गाय, दिस क्रीप गाय। तो सबसे पहले अभी ना साइकिक मूव करते हैं एंड ये जो डिग्लेट है उसको डाउन कर देते हैं। यार नहीं यार, तेरी मूव सुपर इफेक्टिव थी तो मेरी भी सुपर इफेक्टिव होनी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा ही सुपर इफेक्टिव थी। बट यहाँ पे जो म्यू है, मतलब कि डिग्लेट है, वो फेंट हो चुका है। एंड ये रॉक जैम मुझे मिला, पता नहीं इसका क्या यूज़ है, बट कलेक्ट कर लेते हैं। एंड अभी ना मुझे यहाँ पे बच बच के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने पोकेमोन है कि पूछो मत, सबके साथ बैटल अगर मैं करूँगा ना तो मेरी जो हालत है वो पूरी डाउन होने वाली है। बट ये टाइनी मशरूम का कुछ यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, टाइनी मशरूम का भी अभी फिलहाल मैं कुछ यूज़ कर नहीं सकता। तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो सिट्रस बेरी थी वो कहाँ पे है? कहाँ गई? ओ ये रही पीछे गई, ओ ये रही। तो ये जो सिट्रस बेरी है उसको अपन यूज़ करते हैं अपने म्यू के ऊपर पे, क्योंकि इसकी हालत डाउन हो चुकी है। एंड आगे ना बहुत से पोकेमोन है जिनके साथ मुझे शायद से बैटल करनी पड़ जाए, एंड मैं नहीं चाहता अपना म्यू फेंट हो जाए। रुको एक मिनट। एंड वो डैट्स अ ग्रेट। बट गाइस यार कुछ भी बोलो, इस गेम की जो ग्राफिक्स है ना वो कितनी ओपी है यार, आप लोग ही देख लो कितनी ओपी है ना। एंड मुझे लगा था गाइस में सेंसली के साथ मुझे बैटल करनी पड़ेगी, बट वो स्काइप हो चुकी है यार, सही में। एंड यहाँ पे भी एक प्लम फॉसल है। ओके यार, इस गेम के अंदर पे अपन को फॉसल्स बहुत चीज़ मिलती है, एंड और कुछ मिलेगा या ना मिलेगा बट फॉसल्स तो अपन को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड यहाँ पे गाइस मियाउथ भी है, तो मियाउथ भैया से अपन बात कर लेते हैं, भैया या भैना मुझे पता नहीं, बट खैर इससे बात करते हैं। इफ यू नीड एनी थिंग जस्ट आस्क, बट सम हेल्प यू नीड चेक विद द मिल टैंक बिहाइंड द फेंसेस ऑफ देयर। ओके, तो गाइस यार यहाँ पे जो मियाउथ है वो बोल रहा है कि अगर तुमको अपने पोकेमोन हील करना है तो अपने पीछे एक मिल टैंक उससे बात कर लें, मगर एक बार इस खिड़की से झांकते हैं। एंड ये शायद से स्कूल वगैरह कुछ है क्या? नहीं, स्कूल नहीं है, घर है जिसके अंदर पे दो लोग अपने मम्मी के साथ बेटे शायद से पापा के साथ मैम। एंड ये प्लस है एंड ये माइनस है। ओके, ये बात क्या कर रहे हैं? I don't want to playing anywhere, needs to pond unless, and I am here, okay, you should found it, and oh, all right guys, pata nahi yahan pe kya scene hua, dono ke dono gayab ho chuke hain, and all right, yahan pe milk tank hai to apne pokemon ko heal karegi kya? Milk tank bhai na, mere pokemon ko zara heal karogi kya? Ek minute, milk tank se baat karte hain, pokemon, arey nahi, Mewth ne to bola tha jo milk tank hai wo apne pokemon ko heal karega na, to kyun nahi kar rahe pokemon mere pokemon ko heal yaar, pata nahi kya scene hai। बट यहाँ पे 4 मिलियन क्या कर रहा है? एक मिनट, ये 4 मिलियन से सबसे पहले बात करते हैं। अगर ये मेरा फ्रेंड बन गया ना तो अपन को कोई रोक नहीं सकता। आर यू ट्राइंग टू रीड अ ह्यूमन लैंग्वेज? डोंट वरी, आई विल टेल यू व्हाट यू वांट नीड टू वांट नो। दैट साइंस देयर इज अ बिग एरो पॉइंटिंग टू दिस हाउस, ओके, बिकॉज दिस प्लेस इज अ डबल एस एन आइसक्रीम पार्लर एंड दी ह्यूमन देयर गिव्स टू अ फ्री टूर फॉर पोकेमोन। ओह दैट्स अ ग्रेट, फ्री स्टफ अपन कभी छोड़ते नहीं है। तो सबसे पहले गाइस जो फ्री की चीज़ है उसको कलेक्ट करते हैं, अपन को एक फ्री की आइसक्रीम मिलने वाली है तो सबसे पहले उसे कलेक्ट करते हैं। भाई 4 मिलियन तेरे लिए बुरा लगा यार, फ्री की आइसक्रीम तू खा नहीं सकता, क्योंकि जब तू पकड़ेगा तेरे को फायर से जो आइसक्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी यार, सच में। मगर खैर, इस बंदे से बात करते हैं जो कि फिलहाल अभी मुझे एक आइसक्रीम देने वाली है फ्री में। एंड फ्री की चीज़ें किसे नहीं पसंद, मुझे भी सही लगती है। एंड यहाँ पे गाइस मुझे कैस्टिलो कोन मिल चुका है एंड उसके साथ साथ एक रेयर कैंडी भी। ओके, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं कितने बार भी आऊँ, मतलब कि यहाँ पे अभी मैं फिर से आइसक्रीम परचेस करूँ तो मुझे डेयर कैंडी फिर से फ्री में मिलेगी? अगर ऐसा होता है तो और भी सही, बट इस बार गाइस मुझे शायद से लगता नहीं मिलेगी। एंड नहीं मिली मुझे यहाँ पे लावा कुकी मिली है। खैर कोई नहीं, तो आई थिंक जो ये जो मिल टैंक है वो मेरे पोकेमोन को हील कर सकती है। ओ डैट्स अ ग्रेट, मुझे लगा था गाइस सारे मिल टैंक अपने पोकेमोन को हील करेगी, बट नहीं, ये जो मिल टैंक है वही अपने पोकेमोन को हील कर सकती है। एंड यहाँ पे मुझे एक और टाइनी मशरूम मिल चुका है तो उसको भी अपने बैग के अंदर ऐड करते हैं। एंड एक मिनट, अपन को इसके अंदर भी क्या बैचेस वगैरह कलेक्ट करना है क्या? आप लोग यहाँ पे देख लो यार, 8 बैचेस करके आ रहा है, तो आई थिंक सो गाइस अपन लोगों को भी बैचेस कलेक्ट करना पड़ेगा। पता नहीं यार, अगर करना पड़ा तो मतलब कि पूछो मत। एंड हे, डोंट यू हैव सम होमवर्क? यू शुड गो एंड डू इट। हे, कांट वेट अंटिल द नेक्स्ट कॉमेंट्रिकल पेयर। हे, इज दैट अ पोकेमोन? What? ओके गाइस, वो जो बंदा है वो मुझसे डर के भाग गया यार, सच्ची में मजा आ गया। अगर कोई बंदा डरता है तो मजा आ जाता है। एंड फ्लैचिंडर मुझसे बात कर रही है क्या? फ्लैचिंडर सच्ची में मुझसे बात कर रही थी अभी, मगर खैर फ्लैचिंडर से अपन फिर कभी बात कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बस गाइस में घूम रहा था, एंड यहाँ पे मुझे ड्रैगन जैम करके कोई आइटम मिली है, पता नहीं उसका क्या यूज़ है। एंड जैम का क्या यूज़ होता है इस पोकेमोन में मुझे अभी तक पता ही नहीं चला,
मगर खैर गाइस यार यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे जो ब्लू सील है वो अपना फ्रेंड बन सकता है, बट ये लोग को कैसे पता चला मैं यहाँ पे आ गया यार। नहीं यार अभी तो ये पूरी यूनिट के साथ लेके आ चुके हैं। नो ये लोग अभी मेरा पीछा करने वाले हैं। नहीं यार भाग, ब्लूटिल ने गाइस मुझे बोला उसके पीछे पीछे आने के लिए, वरना ये जो लोग हैं वो मेरा पीछा छोड़ेंगे नहीं। एंड यहाँ पे स्मूथ रॉक भी, उसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फ्री की चीज़ें लेना बहुत सही लगता है, तो उसको भी अपन कलेक्ट कर लेते हैं। भागते हैं, ब्लूटिल का है वो ही रहा ब्लूटिल। तो ब्लूटिल बोल आगे कहाँ पे जाना है मुझे। आई थिंक सो ह्यूमन शुड बी गो थ्रू टॉल ग्रास, बट आई हियर देम कमिंग, बट बेटर टू कीप मूविंग। ओके तो फटाफट से चलते गाइस ब्लूटिल के पीछे ही। एंड दैट वॉज अ क्लोज, बट आई थिंक वी आर सेफ नाउ। हुमन कैन स्विम राइट? या हुमन कैन स्विम राइट, ये कर सकते हैं स्विमिंग यार, ऐसी थोड़ी बात है। मैं करता नहीं वो अलग बात है, मैं नहीं कर सकता वो अलग बात है। मगर खैर गाइस यहाँ पे जो ब्लूटिल है वो अभी तक अपना फ्रेंड बना नहीं है। एंड इसको फ्रेंड बनाने के लिए गाइस अभी मुझे क्या करना पड़ेगा आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। अगर ये अपना फ्रेंड बनता है तो गाइस मज़ा आ जाएगा, मतलब कि इसके साथ अपन चाय पियेंगे यार, मज़ा आ जाएगा। बट फिलहाल गाइस यार अभी नहीं, जो ब्लूटिल है उसको ना मुझे मेरा फ्रेंड बनाना है। एंड नेक्स्ट एपिसोड में शायद से गाइस मैं जो ब्लूटिल है उसको मैं अपना फ्रेंड बना भी दूँ। फिलहाल गाइस यार यहाँ पे आज के एपिसोड को अपन यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many